जो अभी जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको पूरा अनुभव है 2002 का, पूरा अनुभव है उनको। वो ऐसे एक्सपर्ट हैं, वो दंगे फैलाने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो वही करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे। अगर वो एजुकेशन में एक्सपर्ट रहते तो देश को एजुकेशन की तरफ लेके जाते, हाईकोर्ट को काला लेने, हाईकोर्ट को सुई मोटर लेने, सुप्रीम कोर्ट को सुई मोटर लेने जाइए। आप संगीन में है, आप हर घर में कैमरा है, हर आदमी पे कैमरा आज की डेट में। कैमरे में जो आ रहे हैं उनका जो रूप है, पुलिस का रूप नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। एक आम आदमी से उम्मीद कर सकते हैं, मैं लॉयर हूँ, मुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं कानून को तोड़ूंगा। पुलिस से उम्मीद नहीं कर जाती कानून को तोड़ेंगे। आप जनगणमन खिलवाएंगे, ये क्या कहाँ लेकर जा रहे हो देश के लिए? आप दंगाइयों को आग लगवा रहे हो, क्या है ये? कौन सा रूप है आपका, है ये कौन सा घिनौना चेहरा है आपका? कानून को तो तोड़ ही रहे। और इन पर जितने भी पुलिस वाले हैं उन पर मतलब ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मांग है, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को पुलिस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक डीलिंग में नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। हम बचपन में देखा, हमने 84 दिल्ली में हुआ, 84 के बाद में ये 2020 में ये दोबारा रिपीट हुआ है। कर्फ्यू नहीं लगा 84 के बाद में, अब लगाया कर्फ्यू, लगाया ऐसा तांडव मैंने कभी पहले नहीं देखा जैसा तांडव अब हुआ है। लीडर लीगल फेडरेटी से हूँ तो मुझे पता है कि उसकी भूमिका क्या है, उसकी भूमिका सही नहीं थी। अगर कपिल मिश्रा को बंद कर लिया जाता, अगर कोई दलित एक्टिविस्ट अगर कोई जरा सा ये बात बोलता है NSA लगा देते हैं, कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट जरा सा बोलता है, डॉक्टर कपिल देखिए आप, डॉक्टर कपिल को जेल में डाला गया, NSA लगा दिया। ये चुन चुन के मार रहे हैं। अभी जो लोग मरे हैं, ड्राइवर थे दो, ऑटो ड्राइवर, उनका क्या लेना देना? एक हैंडीकैप था जिसका मतलब क्या लेना देना? और जो पुलिस वाले की जो मैच पड़ोस है वो संवेदना है, वो नहीं होना चाहिए था ऐसा। अभी हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुचेत सम्राट, जिनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली की हिंसा पर जिस तरह की जो अभी तक शांत नहीं हुआ है और जो मामला गरमाया हुआ है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोग इतनी तोड़फोड़ हो रही है, मारकाट मची हुई है दिल्ली के अंदर, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या साजिश हो सकती है? देखो, ये दिल्ली की हार की वजह है। जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, यहाँ पर गृहमन जो मिनिस्टर हैं वो लगे, यहाँ पर पूरे देश के मुख्यमंत्री लगा दिए, मंत्री लगा दिए, सांसद लगा दिए, उसके बाद भी दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने बता दिया कि यह नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये जो दिल्ली की जो जनता है उसे बदला ले रहे हैं। और जैसा भी आपने देखा चुनाव के माहौल में, चुनाव के माहौल में उनके जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनके अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि साइन बाग को करंट लगेगा। जब देश का सबसे ऊपर सीट पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के बाद में गृहमंत्री जो हैं अमित शाह जी, जब वो अपने लोगों के लिए ऐसा सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई फिर उनकी मानसिकता कैसी है। वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो जातिवाद धर्मवाद के आधार पर लोगों से प्यार करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं। गाय से जानवरों से प्यार करेंगे मगर लोगों से नहीं करते। उनके जो छोटे मोटे जो नेता हैं, कपिल मिश्रा जैसे नेता हैं और जो नेता है, उनके स्टेटमेंट आप देखें, दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें दिल है कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस के अंदर कुछ छुचोरे लोगों को लेकर आकर और कहते हैं कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो, आपने देखा होगा, मैं तो शब्द को यूज भी नहीं करना चाहता। ऐसे जब स्टेटमेंट आएंगे, और वहाँ कपिल मिश्रा जो है वो कावनगर का रहने वाला कपिल मिश्रा, और कपिल मिश्रा ने ही वहाँ के लोगों को इस हिंसा के लिए उकसाया है। और मैंने जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन रात में 2 बजे मैंने ट्वीट भी किया था, कपिल मिश्रा और उसके जितने चेले हैं वो दिल्ली के अंदर जो शांति प्रिय लोग रहते हैं उसमें हिंसा फैलाना चाहते हैं, और हिंसा फैली। ये प्रायोजित ऐसा नहीं था, और पुलिस ने भी उनका साथ दिया। हम बचपन में देखा, हमने 84 दिल्ली में हुआ, 84 के बाद में ये 2020 में ये दोबारा रिपीट हुआ है। कर्फ्यू नहीं लगा 84 के बाद में, अब लगाया कर्फ्यू, लगाया ऐसा तांडव मैंने कभी पहले नहीं देखा जैसा तांडव अब हुआ है। ये चुन चुन के मार रहे हैं। अभी जो लोग मरे हैं, ड्राइवर थे दो, ऑटो ड्राइवर, उनका क्या लेना देना? एक हैंडीकैप था जिसका मतलब क्या लेना देना? और जो पुलिस वाले की जो मैच पड़ोस है वो संवेदना है, वो नहीं होना चाहिए था ऐसा। मगर जो पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी हम जैसे लोग जो है, जो हम मैं लीडर लीगल फेडरेटी से हूँ तो मुझे पता है कि उसकी भूमिका क्या है, उसकी भूमिका सही नहीं थी। अगर कपिल मिश्रा को बंद कर लिया जाता, अगर कोई दलित एक्टिविस्ट अगर कोई जरा सा ये बात बोलता है NSA लगा देते हैं, कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट जरा सा बोलता है, डॉक्टर कपिल देखिए आप, डॉक्टर कपिल को जेल में डाला गया, NSA लगा दिया। तो आप जो ये भेदभाव रूपी जो रवैया कर रहा है ये गलत है और उनको पकड़ना चाहिए था। ये सरासर फेलियर है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की फेलियर के होने के बाद में ये हुआ है। इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? आप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं क्या रखना चाहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लोग बैठे हुए, वो भी जो सरकार नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट करती है, सीधी सी बात। अभी आपने देखा होगा कि 20 मार्च 2018 को SC ST एक्ट का उन्होंने डायल्यूट कर दिया,
दो अप्रैल को हमारी कितनी शहादत हुई है, कितने बच्चों को खोया हमने, उनकी माताओं को पिताओं को तड़पते हुए देखा है, हमने अपने बच्चों को जो हमारे नौजवान साथी उनको जेलों में जाकर देखा है, NSA लगते हुए देखा है। अब सहारनपुर में देखो वहाँ पर कितना कुछ बुरा हुआ, 40 घरों में आग लगा दी गई, अब पूरे देश में एट्रोसिटी चल रही है। मुसलमान दलित को इतनी बुरी तरह से वो देखते हैं कि ये तो यहाँ के इंसान ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। देश संविधान से चलेगा, देश तुम्हारी राजनीति से नहीं चलेगा। देश में जो तुम बैठे हो, जो तुम्हारी मानसिकता है उस मानसिकता को चेंज करो, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। हम लोग तो प्यार करने वाले लोग हैं, हम देश तो देश का निर्माण करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक हम बनाते हैं। देश का निर्माण कौन करता है? मजदूर लोग करते हैं। तो ये लोग प्यार नहीं करते हैं, ये लोग देशों की जो समस्या है, समस्या क्या है देखो, अभी आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, कोई उनके बारे में सोचने की तैयार नहीं है। रिकॉर्ड एजुकेशन लोगों के पास भी नहीं है, रिकॉर्ड है, सारे को प्राइवेटलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी का जो है ग्राफ बहुत नीचे, GDP जो है बहुत नीचे जाती जा रही है, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, दंगा करो और फिर जो रियल में इशू है उनको डाइवर्ट कर दो, ये इनकी राजनीति है। और धर्म के नाम पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो NRC बनाया है, CA बनाया है, वो धर्म के आधार पर बनाया है। संविधान कहता है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, फिर आप कैसे बनाना चाहते हैं? अगर ये आज लॉ बन गया तो धर्म के नाम पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में फिर हिंदुओं के राष्ट्र में क्या होता है, दलितों का क्या होता है, और लोगों को तो आपको पता है अच्छी तरह, 5000 साल से सबसे ज़्यादा जातिवाद का डंक हमने झेला है, सबसे ज़्यादा हमारी पीढ़ियों ने देखा है, हमें पता है जातिवाद क्या होता है। अगर किसी को पता लग जाए कि ये जाति का है तो आज भी उनके माथे में सरबट पड़ जाती है, ये जातिवाद है। आज भी घोड़े पर नहीं चढ़ने जाती है, जातिवाद है। आज भी पता ना चोरी करी नहीं करी पता नहीं, और उसका तो बाद में रिजल्ट निकलेगा, मगर उस शक में पकड़ कर इतना बेरहमी से मारते हैं कि पेचकस कांड कर देते हैं, पेट्रोल डालते हैं। कैसे लोग हो यार तुम लोग, तुम इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, ये जहनियत है। और एक वर्ग सिर्फ पार्कों में जा जाकर ये करता है कि बस लोगों के मन में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये चलाता है और कुछ नहीं है, ये एजेंडा है। और ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आज की डेट में, जिसका गृह मंत्री इस सोच का हो तो फिर देश के लोग सही हाथों में नहीं। हाँ, एक सवाल उठता है दिल्ली की पुलिस पर। हाँ, इस पूरे मामले में दिल्ली की भी वीडियो सामने आई है, पुलिस कुछ लड़कों को डाल के पीट रही है और उन पे जय भारत माता की जय भी गड़बड़ रही है, जनगण मन भी गड़बड़ रही है। तो क्या लग रहा है, पुलिस कटघरे में जाएगी? देखो पुलिस क्या है, पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, LG उसको लीड करते हैं। आप 2002 के दंगे देख लें गुजरात के, या आप सहारनपुर के दंगे देख लें, या आप 84 के दंगे देख लें, या 2020 के दिल्ली के दंगे देख लें, पुलिस पूर्ण रूप से उनका काम करती है। पुलिस पूर्ण रूप से दंगाइयों के साथ हो जाती है। जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो महिलाएं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही हैं, उनको अधिकार है प्रदर्शन करने का, सुप्रीम कोर्ट कहता है, उनको प्रोटेक्शन देना काम पुलिस का है। पुलिस का काम ये नहीं है कि जो दंगाई आ रहे हैं कुछ चंद लोग उनके साथ मिलकर और ऐसा कुछ करें, गाड़ियों में आग लगाना, लोगों को मारना, लोगों पर जड़गर मरकर क्या साबित करना चाहते हैं दिल्ली देश के अंदर, बताइए। दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें दिल्ली की पुलिस है जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट पुलिसों में आती है, उसका ये चेहरा आने वाली सब सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इसलिए पुलिसिंग पर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। मेरा एक लीगल फैटिलिटी होने वाला है, डेली पुलिस को मेरा नाता पड़ता है। हमारे ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, दलित के लोग जाते हैं और पूछते कौन जाति के हो तुम, किस जाति के हो, तो पूछते किस जाति के, तो वो FIR ही लिखते हैं। आप देखिए FIR लिखते हैं, रेप होता है, रेप का नहीं होता है। अलवर में देखा, अलवर का कांड देखा होगा, भीमार भी ने उसमें बड़ा आंदोलन किया था, 5 दिन तक FIR नहीं होने दी गैंग रेप में। आप बताइए, उनके लिए SC ST और माइनॉरिटीज के लोग जो है वो इंसान ही नहीं समझते हैं। तो इस देश के अंदर जो संविधान वो खतरे में है, और संविधान तो खतरे में, इंसानियत भी खतरे में है देश के अंदर। इसलिए जो दो पुलिस की इस तरह की जो नीतियां हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है LG, जिम्मेदार है LG, LG जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, उनके चौर जो अमित शाह हैं वो जिम्मेदार हैं। और मैं तो चाहूँगा कि अमित शाह और जो वहाँ के जो अभी जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको पूरा अनुभव है 2002 का, पूरा अनुभव है उनको, वो ऐसे एक्सपर्ट हैं, वो दंगे फैलाने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो वही करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे। अगर वो एजुकेशन में एक्सपर्ट रहते तो देश को एजुकेशन की तरफ लेके जाते, नौकरी देने में एक्सपर्ट होते तो नौकरी देते पूरे लोगों को, शांति फैलाने में एक्सपर्ट होते शांति देते, जो जिसमें एक्सपर्ट होता वही कर रहे हैं ना। तो 2002 में एक्सपर्ट है, उनको पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है लोगों से कि तुम एक्सपर्ट हो दंगे फैलाने में, तो दिल्ली में साबित कर दिया कि नहीं अभी बोलो मत मेरे को, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी कला में एक्सपर्ट हूँ। तो देश के और भी हिस्सों में दंगा फैला रखते हैं, मुझे आशंका है, मेरा ऐसा शक है, एक बीइंग एक एडवोकेट और बीइंग एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि UP में ना दंगे हो जाए, UP में भी दंगे कराने की प्लानिंग कर रहे हैं और शेडों में दंगे कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील है कि आप शांति बनाए रखें, धैर्य से रहें, इकट्ठे रहें और
कोई भी दलित समाज का, ओबीसी समाज का इनके चक्कर में ना आए। ये कुछ चंद लोग हैं, ये कपिल मिश्रा जैसे लोग जो आग लगा भाग जाते हैं, इनके बच्चे नहीं आते सामने, ना ये लोग सामने आते हैं और ना पुलिस पकड़ रही है। देखो संगीनता है, पुलिस पर डाउट ज्यादा ना कि कपिल मिश्रा जैसे आदमी को नहीं पकड़ रही है। सरजील इमाम को कहाँ से ले आते हैं? सरजील इमाम को उठा के ले आते हैं वहाँ से, बिहार से उठा के ले आते हैं। डॉक्टर कपिल को ले आते हैं मुंबई से उठा के ले आते हैं, आप देखिए। और यहाँ जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है उसको तुम कुछ नहीं करते, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ पकड़ते नहीं है उसको। तो ये जरासर गलत हो रहा है। पुलिस भी उनके साथ लगी हुई है, सरकार उनके साथ लगी हुई है, और सरकार का ये जो ये चेहरा है, खौफनाक चेहरा है, ये डरा रहा है लोगों को। जो सिविल सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं, उनको डरा रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को प्यार से मोहब्बत से देश में रहना चाहिए, इसको अच्छा देश बनाना चाहिए, ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि एक खेत में अगर ऊंचा नीचा खेत होता है तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। समाज में अगर ऊंचा नीचा समाज रहेगा, ऊंची नीच रहेगी, अच्छा समाज नहीं बन सकता। जब तक अच्छा समाज नहीं बनेगा, जब तक अच्छा देश नहीं बन सकता, और अच्छा देश नहीं बनेगा तो कैसे कल्पना करेंगे कि सोने की चिड़िया बन जाएगी? सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे देश के लोगों से बार बार आप दोबारा भी, मैं आप लोग चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ, शांति बनाए रखें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ये सरकार आती जाती रहती है। एक लास्ट जो सवाल है, जो इस दंगे में जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा है सरकार का, क्या सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, हाईकोर्ट को कार्रवाई लेनी चाहिए, हाईकोर्ट को सुई मोटर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुई मोटर लेनी चाहिए। आप संगीन में है, आप हर घर में कैमरा है, हर आदमी पे कैमरा आज की डेट में, कैमरे में जो आ रहे हैं उनका जो रूप है, पुलिस का रूप नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। एक आम आदमी से उम्मीद कर सकते हैं, मैं लॉयर हूँ, मुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं कानून को तोड़ूंगा। पुलिस से उम्मीद नहीं कर जाती कानून को तोड़ेंगे। आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है क्यों ना हो, पथराव करेंगे लोग बाग, आप उनके पनिशमेंट करें, उनको एफ आई आर करें, उनको जेल पहुँचाएं, आपको किसने दिया कि उनको सजा देंगे आप जनगणमन खिलवाएंगे? ये क्या कहाँ लेकर जा रहे हो देश के लिए? आप दंगाइयों को आग लगवा रहे हो, क्या है ये, कौन सा रूप है आपका, है ये कौन सा घिनौना चेहरा है आपका, बताइए। आप क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर? पुलिस राज करना चाहते हैं इस देश के अंदर? कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसको खराब करना चाहते हैं? तो ये गलत है, ये इंसानियत से भी परे है, कानून को तो तोड़ ही रहे। और इन पर जितने भी पुलिस वाले हैं उन पर मतलब ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मांग है ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को पुलिस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक डीलिंग में नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में उन लोगों को होनी चाहिए जो संवेदनशील हैं, जो पेशेंसफुल लोग हैं। क्योंकि आप पेशेंस ही नहीं है आपके अंदर, आप लोगों को डील ही नहीं कर सकते। हाउ टू डील द पीपल, कैसे लोगों को करोगे, कैसे ट्रेनिंग लेते हो आप, कौन सी ट्रेनिंग से आए हो तुम जो लोगों को डील नहीं कर पा रहे हो, दंगाइयों को डील नहीं कर पाए? अगर और लोग आएंगे तो उनके साथ में क्या करोगे आप? आप अपने ही देश के लोगों में, अपने ही दिल्ली के देश के लोगों में आप फर्क कर देते हो कि इधर भगवा दारी है, इधर वो लोग हैं। तो ऐसा देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और संविधान सर्वोपरि है।